हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्रोसीडी एकेडमी। आज हम ऑटोकैड का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड और ऑटोकैड का इंटरफेरेंस, बेसिक इंटरफेरेंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम अभी ऑटोकैड जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उनके लिए मैं एकदम ईजी स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर कुछ डाउट आपको फिर भी लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम जो भी ऑटोकैड देख रहे हैं वो है ऑटोकैड 2020। और अगर आपके पास कोई भी ऑटोकैड का वर्जन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो आपको कैसे वो कहाँ से मिल सकता है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। आपको ऑफिशियल ऑटोडेस्क के साइट से ऑटोकैड मिल जाता है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो तो आप इजीली आप रजिस्टर करके वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क का 3D Max हो गया या ऑटोकैड हो गया, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कोई भी क्रैक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली वहाँ से सीरियल नंबर के साथ वो मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि आप वो पहले डाउनलोड कर लीजिए। देन वंस यू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल ऑटोकैड वो भी हमने बताया हुआ है। सी, अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है, ठीक है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप काम करते करते कुछ एरर आ जाता है, कुछ इशू हो जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो देखो, जब भी हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं कि तो आपके सामने फर्स्ट ये स्क्रीन आ जाता है। दिस इज़ योर बेसिक इंटरफेरेंस ऑफ ऑटोकैड, इसको वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेलकम स्क्रीन ऑटोकैड का आ जाता है। यहाँ पे आपका ऑटोकैड का लोगो है, यहाँ पे कौन सा वर्जन है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये हमारा 2020 वर्जन है। ठीक है, देन उसके बाजू में यहाँ पे आप सामने देखोगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स मतलब जो रेडी कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऑटोकैड ने बेसिक दिया हुआ आपको, तो उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो, बट बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे acad. देन यहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट करके है, मतलब अगर आपने कोई भी पहले ऑटोकैड में कुछ किया होगा तो वो रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको उसका नाम और उसका टाइमिंग के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देन आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लर्न ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बेसिक वीडियोस दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ देखना है, लर्न करना है, तो यहाँ से आप वो समझ सकते हो। ठीक है, देन अगेन हम क्रिएट पे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे क्रिएट, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे कनेक्ट है। जनरली इसका हमें कुछ यूज़ नहीं होता है, तो हमें मेजर यहाँ पे देखना है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट हमको चालू करना है या पूरा नया ड्राइंग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ टूल्स है, कुछ होम, इंसर्ट, ऑटोमेट, ये सब ऑप्शंस है, तो ये हम अभी आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो अभी हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोकैड का एक फर्स्ट इनिशियल स्क्रीन ओपन हो गया है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम अभी एक एक करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये लेफ़्ट में ऑटोकैड का लोगो है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव है, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में उसका जो बेसिक मेन्यूज होते हैं वो यहाँ पे है। देन उसके अंदर आप यहाँ पे राइट में देखोगे थोड़ा सा, तो ये लेटेस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो कि आपने कुछ टाइम पहले अगर आप उस पे ऊपर काम कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे लेटेस्ट में। यही ऑप्शंस उन्होंने क्विक एक्शन टूल बार में भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी न्यू है, ओपन है, सेव, सेव एज, प्रिंट करके ये क्विक एक्शन टूल बार भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके थोड़ा राइट में देखोगे तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन करके यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। सी, बेसिकली क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यहाँ पे सेट होता है, तो ये 2D के लिए जो भी रेगुलर लगने वाले, जो फ्रिक्वेंटली लगने वाले जो टूल्स है जो जहाँ पे, तो ये यहाँ पे उन्होंने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में सेट किए हुए हैं। ठीक है, उसके नीचे जो सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज़ 3D Basic, अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर 3D ऑटोकैड 3D के लिए जो भी लगने वाले ऑप्शन है वो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो और उसके भी और एक नीचे आप जाओगे तो 3D मॉडलिंग, थोड़े से इससे एडवांस 3D के ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हम ये 3D का नहीं करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली जाते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ड्राफ्टिंग एनोटेशन में ये हमारे मेनू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे उसके नीचे आओगे तो ये अलग अलग टैब्स है,
लाइक होम टैब, ये होम टैब में इतने सारे अंदर पैनल्स है। अभी होम टैब में क्या क्या आता है, एक तो ड्रॉ आता है, यहाँ पे कुछ क्विक फ्रिक्वेंट लगने वाले उन्होंने ऊपर दिए हुए, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे अलग अलग हैं, ठीक है। देन अलग नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पैनल है जो कि है मॉडिफाई, ये मॉडिफाई का पैनल है, तो उसके भी अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन है इस तरीके से, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। हम जैसे आगे जाएंगे तो उसमें हम एक एक सीखने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है इंसर्ट, तो इंसर्ट में भी ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक एनोटेट में भी ये अलग अलग ऑप्शन है, पैरामेट्रिक में भी अलग अलग ऑप्शन है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, और उसके अंदर ऑप्शन के नीचे उनके अलग अलग पैनल्स हैं, और पैनल्स के अंदर उनके छोटे छोटे टैब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होम बाय डिफॉल्ट हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होम अपना, ये होम जो इनिशियल व्यू होता है होम का, ये आ गया है। देन ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटल बार है, टाइटल बार में देखो आपका कौन सा वर्जन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। देन आपका अगर कोई ड्राइंग का आपने नाम दिया हुआ है तो ये यहाँ पे उसका नाम आ जाता है, आप कौन से ड्राइंग पे अभी काम कर रहे हो। तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है बीच में जो प्लेन वाला, उसको वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पे भी हम अपने ड्राफ्ट ड्राइंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम ड्राफ्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम कोई भी ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो ये वर्क स्पेस है। और ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं उसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। देन यहाँ पे आप एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक होम साइन है, देन यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और यहाँ पे टॉप दिख रहा है। दैट मीन्स हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप व्यू में है, तो इसको टॉप ही रहने देना है। अगर हम 2D में काम कर रहे हैं तो हमेशा हमें टॉप में ही करना है। देन यहाँ पे आप छोटा देखोगे, यहाँ पे एक्स एंड वाई आपको एक्सिस दिख रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं। मतलब अगर हम 2D में काम करते हैं तो हमें एक्स एंड वाई यहाँ पे दिख जाता है, जब हम 3D में काम करते हैं तो जेड एक्सिस हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम 2D में काम कर रहे हैं, टॉप व्यू में काम कर रहे हैं, तो हमें एक्स एंड वाई वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है, हम अभी स्कूल टाइम में अगर आप देखोगे तो हमने एक ग्राफ पेपर यूज़ किया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ड्राइंग में यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो ये जो ये पॉइंट है, इट्स अ ओरिजिन पॉइंट, इस पॉइंट को, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो वैसे देखने जाएंगे तो ये ऑटोकैड अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करके यू कैन गो एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे आप जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही ड्राइंग करना है, छोटा एरिया है तो इतने में ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पॉइंट से स्टार्ट करके आप कोई भी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हो। बट कोई भी हम अगर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई एक वैल्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्सिस है, मतलब वो होता है जीरो, एक्स जीरो एंड वाई जीरो, तो ये जीरो लेवल हो गया। जैसे हम थोड़ा सा राइट में जाएंगे इस तरफ तो एक्स प्लस होते जाएगा, प्लस 10, 20, तो ये वैल्यू आते जाएगा। अगर हम वाई पे जाएंगे तो एक्स का वैल्यू समझो 10 है, तो यहाँ पे समझो एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 10 आ गया तो y का वैल्यू भी यहाँ पे अगर आते हैं, तो हम यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा लोकेशन है, तो x वैल्यू ये 10 और y वैल्यू 10, तो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ड्राइंग कर रहे हो तो आप इसके ये साइड में ही करना, तो आपको इजीली, अगर कोई आपका ड्राइंग गायब हो जाता है तो आप इजीली यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। सी अभी देखो ये 3D जेड एक्सिस आपको दिख रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारा 3D व्यू में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम फिर से टॉप में चले जाएंगे, यहाँ पे हम टॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हम अभी टॉप व्यू में आ गए। देन ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये कमांड लाइन है। सी यहाँ पे आ रहा है टाइप पर कमांड आपको दिख रहा है, क्योंकि ऑटोकैड जो है वो कमांड पे काम करता है। हमें कोई भी ऑटोकैड का हर टाइम में हमें जाके ऑप्शन को क्लिक नहीं करना होता है, हमें कमांड देनी होती है। सो देखो यहाँ पे मैंने जैसे लाइन क्लिक किया तो लाइन ने यहाँ पे कमांड एक्टिवेट हो गया है एंड ये मुझे क्वेश्चन कर रहा है। बेसिकली हम जो भी यहाँ पे ड्राफ्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ऑटोकैड हमें क्वेश्चन करेगा, हम उसको आंसर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कि समझो मुझे लाइन क्रिएट करनी है। सो जैसे मैं अभी एल इंटर प्रेस करता हूँ, ये मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट,
कि आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो मैंने समझो यहाँ पे किया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा नीचे, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट किया, तो अगेन वो पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट देके हम लाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कमांड लाइन हो गया, तो जो भी हमारा कमांड एक्टिवेट है यहाँ पे हमको पता चल जाता है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल सिलेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद जो में लेआउट होता है, लेआउट वन, लेआउट टू, आप प्रिंट के लिए ये लेआउट वन मतलब लेआउट का काफ़ी यूज़ आता है, हम बाद में देखेंगे। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है मॉडल पे हम अभी वर्कस्पेस क्लिक करते हैं। देन उसके साइड राइट साइड में आप यहाँ पे इस कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, ये एरिया में पूरे टैब्स हैं। ठीक है, ये बटन से अलग अलग, तो देखो अभी ये ग्रिड है, अगर मुझे ग्रिड नहीं चाहिए तो ये ग्रिड का ऑप्शन फर्स्ट वाला है। राइट नाउ इट्स शोइंग ब्लू, देखो आपको ब्लू दिख रहा है, दैट मीन्स ये अभी एक्टिव है। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो गया, क्लिक करता हूँ तो फिर से ऑन हो गया। सो ब्लू का मतलब ऑन, एंड ये देखो अगर मैं सब टिक निकाल देता हूँ तो ये सब टैब ऑफ हो जाएंगे। एक क्विक इसका भी काफ़ी यूज़ आता है, जैसे जैसे हम ऑटोकैड ड्राइंग स्टार्ट करेंगे आपको इसका भी यूज़ पता चल जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस हमको, एक बेसिक यूज़र इंटरफेस है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको वो और फैमिलियर हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ऑटोकैड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको पता चल गया होगा। कि अगर फिर भी कुछ भी डाउट है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ मेरा बोलने का मतलब नहीं समझ रहा है, या फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और आपको भी कोई अगर डाउट रहेगा यू कैन मैसेज मी। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से उसको सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का इसका पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।